ये 5-star 10 कैपेसिटी के एसी को इंस्टॉल करने के लिए अभी हम आए हुए हैं हुलास में। ये ब्रांड न्यू एसी है, तुरंत कार्टून से बाहर निकाले इनको। पीछे से अगर इनका कॉयल दिखा दें हम, तो इस पर किसी तरह का कोई कोटिंग नहीं किया गया है। हम कार्टून हटा करके दिखा देते हैं, सिल्वर कलर का है, कोई कोटिंग नहीं है, नहीं ब्लू कोटिंग है और नहीं गोल्डन कोटिंग है, एकदम सादा है। ये सब कॉयल के ऊपर बहुत जल्दी ही जंग लगना शुरू हो जाता है। और वैसे भी लो बजट वाला एसी है, तो कंपनी वाला भी क्या कर सकता है। लोगों को सस्ता चीज पसंद आता है, तो कंपनी वाला भी वही परोस रहा है। यूनिट का बिल्ड क्वालिटी भी बढ़िया नहीं है, खोल खाल करने में टूटने का चांस ज्यादा रहेगा। लेकिन यहाँ इंडो यूनिट का कूलिंग कॉयल जो है गोल्डन फिन्स में दिया गया, ये एक चीज अच्छा है इसके अंदर। इसी रूम के अंदर इस एसी को इंस्टॉल करेंगे। और ये जो बल्ब देख रहे हैं खिड़की के जस्ट ऊपर में, बल्ब के नीचे आउटडोर इनके जस्ट बैक साइड में, बोल रहे थे ये गली में लगाने के लिए, लेकिन हम किसी भी कीमत पर यहाँ पर आउटडोर नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक घंटा भी यहाँ पर एसी नहीं चल पाएगा, हीट ट्रिप वाला इशू आएगा। हम सीधा छत पर ले जाएंगे आउटडोर को। आउटडोर का काम बाद में होगा, पहले इंडोर का प्लेट व्लेट ठोक करके छेद वेद क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए ये छेद भी क्लियर कर चुके हैं। इंडोर यूनिट का यूनियन जो हम अंदर ही रखेंगे, इसीलिए लेफ्ट साइड में छेद किए। इंडोर भी एकदम परफेक्ट तरीके से अपने प्लेट के ऊपर रखा चुका है। इधर से सारा पाइप वाइप पानी वाला जितना भी है सब टोटल निकल गया बढ़िया तरीके से। अब ये छत पर जो आउटडोर लगाएंगे, तो दो फासनट हम ठोक देंगे नीचे में, ताकि आउटडोर इधर उधर घस के नहीं। छेद के पास पाइप को देखिए यू बना दिए हैं, ताकि पाइप पकड़ के पानी सीधे अंदर न जाए। और पूरे पाइप के ऊपर हम टेप नहीं लपेटे हैं, ऐसा फर्स्ट बार किए हैं यहाँ पर। अभी वैक्यूम कंप्लीट करके इस एसी के अंदर जो गैस रिलीज की है, जैसे ही गैस रिलीज किया यहाँ से जो है लीकेज करना शुरू हो गया। लीकेज करने का कारण था कि वॉल्व के ऊपर हल्का सा खराच लगा हुआ था, जिसकी वजह से ये पाइप सही से बैठ नहीं पाया। ये जो पाइप है वॉल्व के ऊपर रहता है और नट से कसाता है, तो ये कसा जाता है, ठीक है, सही से बैठ नहीं पाया। इसके जगह जो अभी करना क्या पड़ा, ये जो है टेप्लोन लपेट करके जो बढ़िया से कस दिए। ऐसे टेप्लोन तो यूज नहीं करना चाहिए, कंपनी वाला सब मना करता है, लेकिन इमरजेंसी केस में यूज करना ही पड़ता है। वॉल्वे ऐसा दे दिया यहाँ पर कि स्क्रैच लगा हुआ था, बिना टेप्लोन का जो है वो लीकेज रुकता ही नहीं। अब क्या है, अगर टेप्लोन नहीं मारेंगे तो बल्ब चेंज करना पड़ेगा। आपको जरा नया एसी में इतना तामझाम करने, गैस उड़ा करके टेप्लोन लगा करके मार दिए, वही गैस जो है बाकी रह गया। चलिए इंडोर दिखा देते हैं। इंडोर के पास भी जो लीकेज चेक कर चुके हैं, इंडोर को तो आप पहले ही ऑलरेडी देख चुके हैं। और यहाँ बगल में जो स्टेबलाइजर लगा दी, ठीक है, पूरा फर्स्ट क्लास कवर ओवर लगाने के बाद अब देखिए एसी का लुक कैसा लग रहा है। एसी को चालू भी कर दिए, लगभग 10 मिनट से ये चल रहा है और अच्छा खासा ठंडा हवा फेंक रहा है। यहाँ वोल्टेज थोड़ा सा कम आ रहा है, 198 से हो रहा है, लेकिन स्टेबलाइजर लगा हुआ है तो ये अपना देख लेगा। अब बाद बाकी इनके पीछे से जो पाइपिंग किए हैं वो देख लीजिए, पानी तो एकदम फुल स्पीड में गिर रहा है, ठीक है। और ये पाइपिंग पूरा चिपका करके ले गए दीवार से, ताकि अल्टर ना लगे दिखने में। देखिए ना, तो कंपनी वाला टेप देता है जो पाइप पर हमारे, और यहाँ पर दुकान वाला भी आगे मुदता है, इतना महंगा टेप।